हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल S2N65। आई एम डिस्कस करेंगे ICSE हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर चल रहा था एज ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 2, राइट। पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, डिस्कस किया था कैसे अमेरिका बना था, हाउ USA वाज फॉर्मड, है ना। ये डिस्कशन हमने बहुत अच्छी तरीके से किया था और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेंगे, राइट। हम डिस्कस करेंगे हम इस वाले चैप्टर में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि एज ऑफ रिवॉल्यूशन में दो रिवॉल्यूशन पढ़ने थे हम लोगों को। अमेरिका वाला कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने पार्ट वन में, है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग फ्रेंच कि फ्रेंच कैसे अटैक हुआ, फ्रेंच में कौन कौन से कॉजेस थे, किस तरीके से ये सारी बातें हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाके आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आगे आप इसको चेकआउट कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, राइट है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, देखो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है ये हिस्ट्री में। जैसे कि हमारा अमेरिका था ना वर्ल्ड लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट, जो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, ऐसे ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे हिस्ट्री ऑफ, किस हिस्ट्री में, यूरोप की हिस्ट्री में, ठीक। क्योंकि उस समय जो प्रीडोमिनेंट नेशन था वो क्या था, यूरोप ही था ना। यूरोप ने बहुत सारी कॉलोनियल रूल स्टार्ट कर लिया था, तो सारी कॉलोनी उसने बना के रखी थी, तो चाहे वो इंडिया हो या फिर कई अदर चीज हो, है ना। अमेरिका भी देखा था हम लोगों ने, अमेरिका भी क्या है, कॉलोनियल रूल से ही स्टार्ट हुआ था, उसने वहां पे भी उसने इसी को फ्री करके अपने आप को क्या है, इंडिपेंडेंट किया था। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है कहाँ पर, हम हिस्ट्री बात कर रहे हैं किसकी, ये हिस्ट्री तो है वर्ल्ड लेवल की, पर वर्ल्ड लेवल में किसका नाम आएगा, यूरोप का नाम आएगा, ठीक है। क्या था इस, ये पीरियड कैसा था, इट वॉज अ पीरियड ऑफ रेडिकल पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई ऐसा पीरियड था कि मतलब इसमें आपके कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे चेंजेस आपके पॉलिटिकल भी थे, बहुत मेजर चेंजेस हुए। सबसे मेजर चेंजेस हुए इस रिवॉल्यूशन में सोशल चेंजेस, वो हम देखेंगे अभी, और रेडिकल चेंजेस भी हुए। रैशनलिज्म जो चीज थी वो भी यहाँ पर आई। किस तरीके से आई, जो अपने सेंटा भाई बैठे हुए हैं जो पॉम पॉम कर रहे हैं, बुझले कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे किस तरीके से रेडिकल पॉलिटिकल चेंजेस आए इसमें, ठीक है। चलो पहले हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेस से क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके हम देखेंगे किस तरीके से रिवॉल्ट आगे बढ़ा। नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन जो एक आपने पढ़ा होगा फ्रीडम फाइटर था, बहुत ही खतरनाक वाला, ठीक है। एक छोटा सा औहदे से बहुत बड़ा उसने प्राप्त किया था अपनी लाइफ में, ठीक है, वाई उसके क्या है एफर्ट्स की वजह से, तो उसके बारे में जानेंगे, तो बहुत कुछ जानने को है इसमें, ठीक है, हमेशा की तरह। चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग पहले इसके कॉजेस। कॉजेस को पढ़ना है हम लोग को थ्री फेजेस में, या तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग कॉजेस को पढ़ेंगे। नंबर वन जो कॉजेस है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉजेस, क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग उसके बारे में कि इसके कौन कौन से इकोनॉमिक कॉजेस थे, या फिर डिस्कस करेंगे हम लोग सोशल कॉजेस, और फिर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉजेस। ये थ्री फेज में ट्रायंगल के रूप में क्या है, कॉजेस क्या है, कंप्लीट हो गए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की बात। तीन कॉजेस तो बता दिए मैंने आपको, मेनली बहुत सारे कॉजेस, मेनली क्या डिस्कस करेंगे, तीन कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में भी आप जानते हो पॉलिटिकल कॉजेस एक हेडलाइन है, एक हेडिंग है, उसमें कई सारे सब पार्ट्स होंगे, है ना। ऐसे सोशल कॉजेस और ऐसे ही क्या इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में, क्या होता है पॉलिटिकल कॉजेस। देखो उसमें जो फ्रेंच था या जो फ्रांस था उस पर कौन शासन कर रहा था, शासन कर रहे थे लुईस 16। देखो इन लोग को नाम कम मिलते थे, है ना, इन लोग क्या कहीं पैदा हो तो इनको इनको ना नाम की शॉर्टेज थी, क्या तो लोग ऐसे लिखते थे, ये लोग कैसे लिखते थे अपना नाम, जैसे मान लो फादर एंड लुईस, इनका बेटा हुआ लुईस फर्स्ट, इनका बेटा हुआ लुईस सेकंड, इनका बेटा हुआ लुईस थर्ड, वही नाम नहीं बुलाया लुईस के अलावा, तो ये कौन से नंबर के दिन, ये 16 नंबर के दिन, इनका नाम कैसा लुईस 16, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक। तो फ्रांस के उसमें राजा कौन से, शासक कौन से, लुईस 16, ठीक है। वो क्या बोलता था, वो ये मानता था कि वो क्या है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, कौन है, हम सीधे भगवान ने हमें डायरेक्ट भेजा है आकाश से नीचे गिरा के, और हम कौन है, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, कहां पर, धरती पर, ऑब्वियस है धरती पर रह रहे हैं हम लोग। और हाँ ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इन्होंने क्या ऐसा इन्होंने क्यों बोला, ठीक है, हम लोग दूसरी पेन यूज करेंगे, विल यूज हाईलाइटर, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। कौन बोल रहा है, ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं लुईस 16 नंबर के लुईस, और क्या बोल रहे हैं, therefore was not answerable to the people, वो कुछ भी करता रहा उसे कोई, वो किसी को कोई भी आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि सब क्या भगवान ने उसको भेजा है आकाश से, तो उसकी बात क्या होगी, अंतिम होगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ से यहाँ शुरू क्या होगा, यहाँ शुरू होगा एनार्की, ठीक है, मतलब ये क्या है, अपना रूल शुरू करेंगे बिना किसी को जवाब दिए, ठीक।
उसके बाद क्या इनकी वाइफ, इनकी वाइफ का नाम क्या था, मैरी एंटोनी, मैरी एंटोनी जी। अपने ऐसे नाम चॉकलेट वगैरह के होते हैं ये इनके यहाँ पे लोगों के नाम थे राइट। तो ये पहले नाम क्या थे इनके, लुइस थे ठीक, इतने कैडबरी ये सब बाहर के आ गए यहाँ पे। और ये क्या है, मैरी एंटोनी, कौन थे इनकी वाइफ थी। इन्होंने क्या रूल किया, मैंने बताया पता है ना ऑटोक्रेसी आ जाएगी, मतलब ऑटोक्रेसी से रूल किया इन्होंने, खुद का सिर्फ एक ही लोग की बात मानी आई, किसकी, शासन की ठीक। और उन्होंने क्या किया, चूजेस टू इग्नोर द सफरिंग्स ऑफ द पीपल, इन्होंने क्या है लोगों की सफरिंग्स को क्या किया, बिल्कुल नजरअंदाज किया ठीक। और वैसे रूलर का काम क्या होता है, सर्व द नेशन, सर्व द सिटीजंस, मेन काम होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही काम इग्नोर किया, उन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, उन्होंने ऑटोक्रेट्स की तरह रूल किया ठीक है ना। इससे क्या हुआ, किंग और उसकी क्वीन बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो गए, लोगों ने इनको क्या है पसंद करना बंद कर दिया ठीक। ऑब्वियस कर देंगे, मान लो कोई सफर कर रहा है ठीक है, तो सफर कर रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हो और अपने आराम से आप मंगा के भाई इम्पोर्टेड आइटम्स यूज कर रहे हो, देन ऑब्वियस ये वाला आपको आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसे के सिटीजंस ने क्या इनको क्या है अनपॉपुलर हो गए, इनको पसंद करना क्या है बंद कर दिया राइट। इसके साथ साथ जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, देखिए अगर आपका राजा, आपका जो आपका रूलर है अगर वो ठीक नहीं है ना, तो उसकी जो ऑफिसर्स होंगे वो भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कंट्रोल ही जब ठीक नहीं है तो उसके जो सेटअप्स हैं वो तो खराब अपने आप हो जाएंगे। तो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ किसका, लुई 16 का, वो भी क्या बन गया, हाईली करप्ट हो गया, क्या हो गया, करप्ट, भ्रष्टाचार वाला हो गया, अपने बहुत फेमस है ना वर्ड्स, करप्ट करप्ट ठीक। ये इनका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका भी कैसा हो गया, करप्ट हो गया राइट। जो नोबल्स थे उस समय जो ऑफिसर्स थे वो क्या है लोगों को टॉर्चर करते थे ठीक है, किसके नाम पर, टैक्स के नाम पर ठीक है, उससे उन्हें अरेस्ट करते थे और कई सारे लोगों पीपल को क्या है ये विदाउट अ ट्रायल क्या है बंदी बनाते थे राइट। तो इसके क्या है जो भी अरेस्ट होते थे उनको सीधा कहां भेजते थे, ये लोग प्रिजन में भेजते थे डायरेक्ट, बिना ना कोई सुनवाई ना कुछ गवाह ना कुछ, हम तो सीधे भेज देंगे तुमको जेल में, बैस्टिल लेके जेल में ठीक। अल्टीमेटली आप समझ पा रहे हो ना पॉलिटिकली बहुत ही सिचुएशन खराब थी, और कौन सफर कर रहे थे, सफरर्स कौन थे, सफरर्स आर अल्टीमेटली पीपल, नॉर्मल पीपल ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, लोग इनके, लोग अनपॉपुलर हो गए इनके बीच, लोगों के बीच में, और फिर क्या है लोग इनको पसंद करना बंद कर गए, इनसे परेशान हो गए ठीक है। ये तो हो गया कौन सा कॉज, ये कॉज हो गया हमारा पॉलिटिकल कॉजेस ठीक है ना। या इसमें आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे सिर्फ राजा का नाम, रानी का नाम पूछ सकता है आपके फिलिप्स में, और उसके याद रखेंगे क्या कि इन्होंने ऑटोक्रेट से रूल किया और लोगों को क्या परेशान किया, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या करप्ट हो गई थी, बस इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते, अब बात करेंगे कौन सा कॉज, अब आएगा हमारा सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक। इसमें क्या है, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस समय वो उसका नेचर कैसा था, फ्यूडल नेचर था, सामंती व्यवस्था थी, क्या थी, सामंती व्यवस्था थी। क्या होता है ये बताती हूँ अभी, इसमें क्या होता है जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग क्लासेस में ठीक। जैसे कि किंग है, किंग तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना सब जगह है ना, किंग तो अपने महल में बैठेंगे, तो ये क्या अपॉइंट करते थे, अलग अलग फ्यूडल्स, अलग अलग सामंत, अलग अलग जमींदार ठीक है ना। और फिर ये भी काम नहीं करेंगे, ये किसको रखेंगे, छोटे छोटे फार्मर्स को रखेंगे, पीजेंट्स को रखेंगे, तो एक हायरार्की बन जाती है, क्या बन जाती है, हायरार्की। लेकिन अल्टीमेटली उसमें क्या है, किंग बहुत सारी पावर दे देता है इन सामंतों को, और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है किस पर, इन फ्यूडल्स पर ठीक है। और ये स्ट्रांग हो जाते हैं और जो किंग है वो क्या है, वीक हो जाता है ठीक। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फ्यूडल सिस्टम, क्या बोलते हैं, फ्यूडल सिस्टम। तो सिस्टम क्या चल रहा था, ये सिस्टम चल रहा था कहाँ पर, फ्रेंच में, उस समय फ्रेंच के एरिया में। उसमें क्या था, जो अपना सोसाइटी थी उसको डिवाइड किया गया था थ्री क्लासेस में, वहां पे क्लास नहीं बोलते थे उसको, बोलते थे हम लोग एस्टेट्स, क्या बोलते थे, एस्टेट्स ठीक है। जो पहला एस्टेट था उसको बोलते थे क्लर्जी, चर्च के ऑफिसर्स थे इसमें ठीक, जो भी पूजा पाठ करते थे, जो हमारे वो थे ना प्रीस्ट्स, वो थे इसमें ठीक है। सेकेंड एस्टेट थी, सेकेंड वाले वो कौन थे, नोबल्स थे, जैसे कि ऑफिसर और रैंक क्या, सब इसके अंदर आ गए ठीक। थर्ड जो एस्टेट थी उसके अंदर थे कॉमन पीपल, कौन थे, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में आपके कौन थे, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, और जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स, ये सब किसके आ गए, थर्ड स्टेट्स के अंदर आ गए। लगभग 90% ऑफ द पॉपुलेशन को क्या है इन्होंने
थर्ड स्टेट या फिर बुर्जुआ ग्रुप, उसको बोलते हैं बुर्जुआ का फिर बुर्गेस ग्रुप, ठीक है। तो ये थे, इसके बाद क्या है, इनको कोई भी सोशल स्टैंडिंग नहीं दी गई थी, और टैक्स कलेक्ट किससे किया जाता, थर्ड स्टेट से ही टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ये सिर्फ 5% पर थे, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स, लेकिन ये एंजॉय करते थे सारे बढ़िया राइट्स, ठीक है, सारी पावर, सारी अटॉर्नी, और पे कौन करता था, ये लोग इन्हीं के पैसों पर ये मजे करते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स। तो क्लासेस का डिवीजन था, हमारे डिवीजन कैसा था, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उनका डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेट्स, कि पैसा कौन भरेगा ये वाला, और मजे कौन करेगा ये दोनों करेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ बहुत अनहैपी थे, ठीक, इनको फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, लो टाइप का क्या है, फील कराते थे, ठीक। तो ये क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था इनमें, क्या था, सोशली डिस्क्रिमिनेशन इनके अंदर था, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फर्स्ट एस्टेट्स में कौन आए थे, नोवेल, वो क्लर्जी अपने ग्रुप, प्रीस्ट वगैरह, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड में क्या है, कॉमन पीपल कहते हैं, बुर्जुआ ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल डिविजन था। तो इसमें क्या हो गया, टैक्स पेयर ये थे, तो इनके बीच में क्या आया, कॉन्फ्लिक्ट आया, इनके बीच में क्या आया, ये इनके अगेंस्ट होने लगे, बताइए सर ने। चलो अब बात करते हैं हम लोग कौन सा, तो बता दी हुई मैंने कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स को सारे राइट्स थे, लेकिन थर्ड एस्टेट्स को कोई भी राइट नहीं था, और ये क्या है, वाइड स्प्रेड क्या है, इनइक्वालिटी थी इनके बीच में, क्या है, इनइक्वालिटी स्प्रेड हो रही थी, और इस तरीके से लोगों ने क्या है, इनके अगेंस्ट किया जाना काम शुरू कर दिया। तो दो कॉजेज हो गए, कौन कौन से, पॉलिटिकल कॉजेस और सोशल कॉजेस। अब डिस्कस करेंगे हम लोग कौन सा कॉज, इकोनॉमिक कॉजेस, पैसे का क्या दिक्कत था भाई, ठीक है, पैसे में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इकोनॉमिक तो पैसा हर जगह बोलता है, तो पैसा यहाँ ही बोलेगा, ठीक। तो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल थी किसकी, रूलर्स की, नोबिलिटी की, क्लर्जी, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स की, ठीक है। और इसके साथ फ्रीक्वेंट वॉर, बहुत ज्यादा वॉर में इन्वॉल्व होता था कौन, फ्रांस, और उससे क्या है, इनका जो स्टेट का ट्रेजरी हो क्या है, खत्म हो गया था, कोलैप्स हो गया था, किस वजह से, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स की लग्जीरियस लाइफ स्टाइल की वजह से, और इसके साथ वॉर, कौन, कई बार वॉर में इन्वॉल्वमेंट की वजह से फ्रांस का जो खजाना था वो क्या है, खत्म हो गया था, ठीक है, राजकोष उनका क्या है, खाली हो गया था, ठीक। बहुत रिच थे ये लोग, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले लोग, लेकिन तब भी ये लोग क्या है, टैक्स पे नहीं करते थे, और एंटायर बर्डन किसके ऊपर था, केवल और केवल थर्ड एस्टेट्स के ऊपर था, ठीक। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन से वर्स्ट कंडीशन किसकी थी, पीजेंट्स और वर्कर्स, ठीक है, बहुत सारे पे करते थे लोग टैक्स, लैंड टैक्स, सॉल्ट टैक्स, आइटम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, घर टैक्स, कास्ट टैक्स, सब टैक्स, ठीक। तो इसके साथ साथ क्या है, इनको मतलब टैक्स तो पे कर ही रहे भाई, और तुम इससे क्या करवाएंगे, लोग काम भी करवाते थे विदाउट पेमेंट, चलो तुम ठीक है काम कर लो, कोई पेमेंट नहीं मिला है, करो बात खत्म करो। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक चीज थी ना, इतना आप किसी से भेदभाव करोगे तो लड़ेगा वो, लड़ेगा ना। तो ये मेजर रीजन बनता है किसका, सोशल जो कॉजेस है उसी से क्या है डेवलप हुआ इकोनॉमिक कॉज, ठीक। अगर यहाँ पे इक्वेलिटी आ जाती तो क्या इकोनॉमिक कॉज डेवलप होता, नहीं होता भाई, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, यहीं पे ये लोग बोल देते कि ठीक है हम सब बराबर टैक्स देंगे, हम ज्यादा पे, हम ज्यादा कमाते थोड़ा हम ज्यादा दे देंगे, ये कुछ ही नहीं दे रहे हैं। मान लो ये जो अपने हैं, कौन है भाई, ये है फर्स्ट और सेकंड एक्सटेट, ये 100 रुपए कमा रहे हैं, तो इनका 100 का 100 बच रहा है, और थर्ड एक्सटेट 10 रुपए कमा रहा है, जिसका पूरा 9 रुपए जा रहा है टैक्स में, बताओ 1 रुपया क्या कर लेगा वो, क्यों, ये हालत थी, है ना। इसके साथ साथ फिर कुछ आते हैं इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स, कौन आते हैं, इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स, ओके, जैसे कि नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर यूज करेंगे हाईलाइटर, राइट। चलिए क्या नाम है, ओके, विल यूज येलो कलर, ग्रीन कलर, चलो। तो वॉल्टेयर है ना, रूसो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड डिडेरॉट, ठीक है। तो ये तीन जो फिलोसोफर्स आए, ये क्या थोड़े थे क्रांतिकारी फिलोसोफर, ये वर्ड यूज करते, हमारे यहाँ थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे ये भी क्रांतिकारी फिलोसोफर थे, ये लड़ाई नहीं करते थे, ये लड़ाई करने के लिए प्रोवोक करते थे, ठीक है, अपनी कविताओं से, अपनी कहानियों से, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को इंस्पायर किया, क्या किया, इंस्पायर किया कि आवाज उठाओ भाई, इनइक्वालिटी को दूर करो, आवाज उठाओ इनजस्टिस को दूर करो, न्याय प्रोवाइड करो, और करप्शन को फ्री करो अपने फ्रांस से, ठीक। उन्होंने जगह जगह दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, मतलब
कर करके लोगों को रियल पावर होता है। रियल पावर होता क्या है, उन्होंने कहा रियल जो पावर होती है ना वो इंसान के अंदर होती है, पीपल के अंदर होती है। ठीक है, तो जो किंग है उसको शासन करना चाहिए पीपल के विल के हिसाब से, पीपल जनता जो चाहेगी ना उसके हिसाब से राजा को शासन करना चाहिए। और अगर राजा ऐसा नहीं कर रहा है और किंग ऐसा फेल हो रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, तो जनता को उसको हटा देना चाहिए, उसकी सफरिंग्स को सहन नहीं करेगी जनता। ठीक, तो ऐसे मोटिवेट किया, ये थोड़ा मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि आओ जाओ लड़ो, हम तुम्हारा काम करेंगे, हम तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम लड़ो। किससे लड़ो? पीपल लड़ो, किसके अगेंस्ट? राजा के अगेंस्ट। ये थी इनकी मेन थ्योरी, किसकी? फिलोसोफर्स की। इसका नाम याद रख लेना आप लोग, वोल्टेयर एंड रूसो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो, तो ये कुछ कॉजेज हो गए। कौन से कॉजेज हो गए बताओ भाई? सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस और पॉलिटिकल कॉजेस। तो यहां तक तो हमारी बात हो गई इस तरीके से। अब बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, फिर आउटब्रेक कैसे हुआ इस रिवॉल्यूशन का। ठीक है, चलो, तो फिर क्या हुआ? पहले हुआ संबंध, सुनवाई हुई एस्टेट्स के बीच में। क्या हुई? तीन एस्टेट्स थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दो जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग, बहुत खींचेंगे इस चीज को, और मजे से पढ़ते जाओ, आराम से मजे करते रहो। और हाँ जी, याद है ना कहाँ से नोट्स मिलेंगे? प्यारी सी पीपीटी यहाँ से मिलेगी, @ शलजा कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल। चलो आगे बढ़े, हो गया प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा। चलो, तो फिर क्या है संबंध? क्या हुआ? एस्टेट्स को बुलाया गया, उन्होंने बात की। उसमें क्या है, एस्टेट जनरल होती है एक। क्या होती है? एस्टेट जनरल। जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, पार्लियामेंट होता है जब से लोग मीटिंग करते बैठते हैं, ऐसे वहां पे क्या होती है, एस्टेट जनरल होती है, जहाँ पे तीनों पीपल की रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। किसके? थ्री एस्टेट्स की। ठीक, ये मीटिंग होनी चाहिए थी हर साल, जिससे कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। लेकिन ये 1614 से हुई नहीं थी मीटिंग इसकी। कब से? 1614 से। ठीक है, उसके बाद जो लुईस 16 है, जो प्रेजेंट राजा है, उन्होंने एस्टेट मीटिंग बुलवाई। कब बुलवाई? May 1789। देख रहे हो, मतलब 1614 से मीटिंग नहीं हुई, कब बुलवा रहे? 1780। तो देख रहे हो कितना गैप है साल का। माइनस कर लो, देख लो, माइनस करो, 9 - 4 कितना होता है? 5 होता है ना, 8 - 1 7, 1 175 साल के बाद एक मीटिंग हो रही है। किसकी? एस्टेट जनरल की मीटिंग। मतलब कितना खतरनाक शोषण हो रहा था, कितना खतरनाक फैला हुआ था ये। ठीक, किसकी मीटिंग किसके काल में हुई? लुई 16 के काल में हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद क्या है, जो अपने थर्ड एस्टेट से जो मौका ढूंढ रहे थे, थर्ड एस्टेट क्या ढूंढ रहे थे? मौका। क्या ढूंढ रहे थे? क्या आएगा मौका? कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके। तो उनको ये मौका मिल गया, मीटिंग हो रही है, सब लोग आएंगे, साथ में बैठेंगे, राजा बैठेगा, तीन लोग बैठेंगे, तो हम क्या है इसमें अपनी क्या है ग्रीवियंस को क्या है बता सकते, इनको डिस्क्लोज कर सकते। ठीक, लेकिन क्या था ना, जो प्रेजेंट का सिस्टम ये था कि इनको क्या है अलाउ नहीं था कि जो एक मतलब जो एस्टेट्स है वो क्या है बोल नहीं सकता, जो थर्ड एस्टेट उनके इसके कोई बात रख नहीं सकता अपनी। ठीक है, क्योंकि थर्ड एस्टेट कौन था? नॉर्मल कॉमन पीपल थे, है ना। एक बार पढ़ लेते हैं आपको। द प्रेवलेंट सिस्टम अलाउड वन वोट टू ईच एस्टेट्स एंड नॉट वन वोट पर रिप्रेजेंटेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या बोला गया, तीन एस्टेट्स थे, थ्री एस्टेट्स। तो अभी का प्रेजेंट सिस्टम क्या था, विल यू स्पेन, कि तीन रिप्रेजेंटेटिव है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें ये बोला गया था कि एक वोट दे देगा फर्स्ट एस्टेट, एक वोट दे देगा सेकंड एस्टेट्स, और एक वोट रहेगा थर्ड एस्टेट्स का। अरे भाई, वोट क्यों बोल रहा है, एक वोट क्यों बोल रहे हो? हम तो 95% ऑफ पॉपुलेशन है ना थर्ड एस्टेट, पर रिप्रेजेंटेटिव वोट लो। क्या लो? पर रिप्रेजेंटेटिव वोट, तो 95 वोट तो हमारे ही होंगे ना। तो ये सिस्टम नहीं था, हमने कहा कि पर एस्टेट केवल एक वोट देगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है ना, फिर तो इक्वल होंगे तीनों के, और ये लोग तो साथ में थे ना, फर्स्ट सेकंड, कौन जीतेगा हमेशा? फर्स्ट और सेकंड, ये हारेगा हमेशा। तो ये सिस्टम प्रिवलेट चल रहा था अभी। ठीक, इसका मतलब क्या था कि इवन व्हेन द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स आर आउटनंबर्ड द मेंबर्स ऑफ अदर टू स्टेट्स, दे कुड नॉट गेट देयर डिमांड फर्स्ट। इसका मतलब उनकी बात नहीं मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ये तीनों बराबर हो जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, राइट। बात समझ पा रहे हो क्या कहानी थी? चलो, तो उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेट ने क्या बोला,
आए भाई लड़ेंगे। किससे इंस्पायर्ड थे? अपने फिलोसोफर से इंस्पायर्ड थे ना। चलो बात करते हैं फिर, ग्रीन बल ले ले पहले। चलो तुम थर्ड स्टेट से बोला देखो, तो बात सुनो हमारी। उन्होंने बोला पहले तो ये तुम हटाओ ये चीज, और वन मैन वन वोट सिस्टम लेके आओ। ठीक है, वन मैन वन वोट सिस्टम लाओ, जिससे कि क्या है हम अपनी बातों को मनवा सके। ठीक है, लेकिन फिर क्या है, बात मानी जाएगी इनकी? तुम्हें लगता है मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी भाई। तुम कौन हो? यू आर कॉमन पीपल, यू आर पेइंग द टैक्स, और जो आप टैक्स दे रहे हैं उसी से हम क्या मजे कर रहे हैं। हम क्यों आपकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे राइट। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटा जी, नहीं मानोगे, एक तो मेरे ही पैसे है और मेरे पैसे से ऐश कर रहे हो। तो फिर क्या किया, थर्ड स्टेट्स वाले आते हैं, उन्होंने क्या किया, एक फॉर्म की नेशनल असेंबली। क्या बनाया? बनाई नेशनल असेंबली, उन्होंने एक नई बनाई संस्था। क्या बनाई? न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाया, न्यू संस्था बनाई, जिसका नाम क्या था? नेशनल असेंबली। कब बनाई? June 1789 राइट। बात समझ में आ गई? कहां से हुई थी कहानी स्टार्ट? कहानी स्टार्ट ऐसी हुई थी, मीटिंग हुई थी किसके बीच में? कहां गए हम लोग? कहां गए भाई, यहां गए। चलो मीटिंग किसकी जो हुई थी? एस्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी, इसमें कौन थे? किंग के। कौन थे उसमें? 16 किंग। इनकी प्रेजेंस में मीटिंग हुई थी, जिसमें तीनों लोग एस्टेट आए थे। ठीक है, 175 साल बाद हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ये अपना स्टार पॉइंट है ना। उसके बाद क्या है, मीटिंग हुई तो अपॉर्चुनिटी किसको मिल गई? थर्ड एस्टेट को। उनकी बात सुनी नहीं गई, उन्होंने बोला ऐसे काम ही चलने वाला, आप क्या लेके आएंगे? आप लेके आएंगे वन मैन वन वोट। और नई बात मानी उन्होंने, तो उन्होंने फॉर्म कर दी क्या? नेशनल असेंबली 17 June 1789। ये तो पूरा इवेंट हो गया। क्या हो गया? इवेंट। कब बनाई इन्होंने? 17 जून को बनाई, ईयर 1789 राइट। फिर क्या होता है, 3 दिन बाद 20 जून को मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मतलब थर्ड एस्टेट्स, कौन से मेंबर है ये? थर्ड एस्टेट वाले मेंबर है। कहाँ जाते हैं? कहाँ मिलते हैं? टेनिस कोर्ट में मिलते हैं, टेनिस कोर्ट जहाँ पर टेनिस खेला जाता है, वहां मिलते हैं सभी लोग। और क्या शपथ लेते हैं? क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं कि हम साथ रहेंगे, हम यूनाइटेड रहेंगे, और हम क्या बनाएंगे? एक संविधान बनाएंगे, अपने देश के लिए संविधान बनाएंगे। ठीक है, और इस पूरे इवेंट को, इस घटना को क्या बोला जाता है? टेनिस कोर्ट ऑथ। क्या बोलते हैं? टेनिस कोर्ट ऑथ। टेनिस कोर्ट में शपथ लेने पर जो इवेंट हुआ उसे बोलते हैं टेनिस कोर्ट ऑथ। उसमें बोला गया कि विल रिमेन यूनाइटेड एंड विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेशन, इसे बोलते हैं टेनिस कोर्ट ऑथ। बस समझ में आ गई? कब? 89। किसने? नेशनल असेंबली, मतलब थर्ड एस्टेट। गॉट इट? चलो आगे बढ़ो। ओके, अब तो भाई बात खतरनाक हो गई, अब तो है ना। देखो परेशान हो गया बच्चा है ना, केवल अरे ठंडी भी है, हाँ ठंडी है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, अब आ गए हमारे महाराज 16, ये हो गए परेशान। ठीक, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, इतनी बड़ी जो आबादी है वो हो गई एकत्रित। ठीक, इन्होंने कहा सप्रेस करो इसको, क्या करो, नेशनल असेंबली का जो पावर चल रहा है, स्पेस चल रहा है, क्या है, रोको उसको, रोको। ठीक, उन्होंने क्या है, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो उन्होंने बोला मतलब कि सप्रेस करो, तो लोगों को क्या है, और गुस्सा आ गया किसको? नेशनल असेंबली को। ठीक है, उसके बाद तो क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए था, युद्ध होगा। क्या होगा? लड़ाई होगी। कहाँ होगी? ऑब्वियस है, इंडिया में होगी क्या? नहीं भाई, पेरिस में होगी। कहाँ होगी? पेरिस मतलब फ्रांस। ठीक है, और अलग अलग जगह पर भी क्या है, क्या होने लगे, झगड़े होने लगे उसके। कौन कौन झगड़ा कर रहे हैं? थर्ड एस्टेट्स हमारे एन ए किसके अगेंस्ट? फर्स्ट और सेकंड। तो थर्ड एस्टेट मेन कौन थे? अपने पीजेंट्स और मर्चेंट्स या वर्कर्स, वो क्या है, रिवोल्ट करने लगे अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, वो बंद कर ले, बंद कर दिया, चलो आगे बढ़े। उसके बाद देखो कहानी में आया ट्विस्ट, ट्विस्ट, और हमारी पेंसिल हो गई, हंस गई। ठीक है, कैसे आया ट्विस्ट? देखो अब वो लड़ाई झगड़ा तो हो रहा था, तो फिर बेस्टिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, बेस्टिल ने बताया था, बेस्टिल क्या है बताओ? बेस्टिल क्या है? जेल है, जेल। यहाँ पे क्या है, लोगों को प्रिजन बना के रखते थे, विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी कुछ भी चीज। तो फिर क्या है, बेस्टिल पे हुआ स्टॉर्म, कब? डेट याद रखना, 14 जुलाई 1789, जो हमारी थी ना नेशनल असेंबली। ठीक है, थे ना असेंबली, मतलब जो बनी थी हमारी कहाँ पे? टेनिस कोर्ट में।
वो उन्होंने अटैक कर दिया जेल पर, बेस्टिल की जेल पर, गेट वेट तोड़ दिए और सारे कैदियों को रिहा कर दिया। ठीक है, सारे कैदियों को छुड़वा दिया, चलो भाई तुम लोग भी मजे करो। इस इवेंट में क्या हो गया, इस इवेंट को पॉपुलरली क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल वो वाली कौन सी इवेंट था, टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, तो ये वाला जो इवेंट है इसे बोलते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, और इसने शुरुआत कर दी बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जाएगी और रिवॉल्यूशन आएगा, डेमोक्रेसी आएगी, जनता के बारे में, जनता ही लड़ेगी। ठीक है, तुम सिर्फ चुने हुए हो, उस हिसाब से करो काम, ये होती जनता की पावर। भाई गेट वेट तोड़ दिए, साइल रिहा कर दिया, आओ लड़ो, तो वही इवेंट राइट। उसके बाद क्या हुआ, अब आएगा और अच्छा ट्विस्ट, हमारे सारे कैरेक्टर हो गए बाहर, अब आता है रियल कहानी और उसमें क्या होता है। जो हमारे राजा थे ना, राजा बहुत मजे कर लिए तुमने, और उनकी पत्नी भी मजे कर लिए, इनको कर दिया अरेस्ट, उनको निपटा दिया। इधर निपटा दिया इनको, ओके। इसके साथ साथ जो नेशनल असेंबली है उसने मोनार्की क्या कर दिया, खत्म कर दिया, राजा का शासन खत्म कर दिया, और क्या बनाया, रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाया। क्या बनाया भाई, रिपब्लिकन गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ, हाँ हाँ अभी बहुत हुआ है, तुम लोग मजे करो, बस सुनते रहो मजे से। उसके बाद क्या है, इन्होंने बनाया एक फेमस डॉक्यूमेंट, नाम क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। देखो इंसान हो ना इंसान, जैसे ही इंसान बन गए तो कुछ राइट्स तुम्हारे पास अपने आप आ गए, है ना। तो उन्होंने वो क्या कर दिया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, और ये किसके होंगे, सभी ह्यूमन बींग्स के क्या होंगे, राइट्स होंगे। ठीक है, ये क्या था इनका फेमस डॉक्यूमेंट था, किसका था, नेशनल असेंबली का था। ठीक है, इस राइट में क्या थे, सभी को राइट टू लाइफ मिलेगा, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वेलिटी, ये सब क्या है, सभी से प्रॉमिस किया गया सिटीजन से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटरनिटी, कहां से उधार है हमारे, कहां से लिया हमने, फ्रांस से ही लिया है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेंगे, और यही गाइडिंग प्रिंसिपल बने किसके, फ्रांस के। ओके, ये बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है कहानी में, चलिए आगे बढ़े फिर। तो भाई क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, आ गए फिर से, अरे अब तो मुंह बंद कर ले भाई, अब तो खुशी वाली बात है, चलो इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट मतलब रिजल्ट क्या आया। कुछ बच्चे सो रहे हैं, अरे भाई सोना नहीं है, सोते नहीं है, जागते रहो। हाय चलो अब देखो, पहला क्या हुआ इम्पैक्ट, सबसे पहले तो फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक नया सिस्टम चालू हुआ जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था। कभी टाइम मिलेगा तो बना दूंगी छोटी सी वीडियो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म, ये बहुत लेंदी हो जाएगी वरना ही। और साथ में फ्रांस रिपब्लिक बन गया, ठीक है, सिटीजन्स को बेसिक ह्यूमन राइट्स बन गए, वो वोट कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव क्या है, इलेक्ट कर सकते हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास सत्ता होगी, जो जनता को पसंद होगा वही राजा बनेगा, राइट। ये पहला इंपैक्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, जो बाहर फ्रांस के बाहर भी क्या है, फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है उसकी बातें चली भाई, वहां भी बाहर भी आइडिया फैला किसका, नेशनलिज्म का, लोग अपने देश के लिए क्या है, काम करने लगे। ठीक है, वो अपने आप को पहचान ले कि हम इस देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, उसके साथ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप विच वर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल रीजन ट्राई टू यूनाइट एंड फॉर्म नेशन स्टेट्स। बहुत सारी ऐसी कंट्री जो अलग अलग बिखरी हुई थी, उन्होंने भी क्या है, अपने आप को कंबाइन किया और एक बड़ा नेशन क्या बनाने की कोशिश की। ठीक है, इसके साथ आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब क्या है, लोगों ने को इंस्पायर किया, और जिससे कि दुनिया में क्या है, फ्रेंड्स की क्या है, जो आइडियोलॉजी क्या है, फॉलो करने लगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गई हमारी, किसकी, फ्रांस में क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरीके से बात हुई जी। अब बात आ गई किसकी, पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड की, तो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसमें इतना ही था, आई होप मजा आया होगा, और पूरा सुनते हैं ना आराम से, और नोट्स के लिए इसको विजिट कर लेना इस चैनल को, चाहिए है तो, बाकी बता देना सभी लोगों को, और
पसंद आता है तो भाई लाइक कर दिया करो और अपनी बताया करो रिव्यूज कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पार्ट 3 ले आएंगे फटाफट से, तब तक इसको एंजॉय करिए और सुनते रहिए, ठीक है। इसमें इतना ही था, थैंक यू सो मच।